कार्यपत्र मार्शल देखते हैं प्रश्न नंबर एक देखिए अजय ने बीस दोस्तों के उनके पसंदीदा फल के बारे में बातचीत की और इस प्रकार से आंकड़े दिए जो फल है आम है वह आठ बच्चों को पसंद है सेब चार केला पाँच अंगूर तीन तो हमें बताना है स्टूडेंट्स तालिका के आधार पर नीचे प्रश्न के उत्तर देने हैं कितने बच्चों को केला पसंद है पाँच जनों को है आम आठ जनों को है अगला देखिए शिक्षिका ने बीच बच्चों से पसंद के पालतू जानवर के बारे में पूछा जो इस प्रकार से बताया गया है तो देखिए जो जीव चूहा है वह कितने बच्चों को पसंद है चार गाय चार बिल्ली पाँच और जो तोता है वह है तीन अगला देखिए कार्यपत्र नंबर तिरसठ जिसमें नीचे दिए गए खिलौनों के आधार पर हमें बताना है देखिए गुड्डा जो कितने हैं गुड्डे जो हैं वे चार हैं ऊपर गिनकर देखेंगे चार है एक दो तीन और चार अगला देखिए बतख कितनी है पाँच एक दो तीन चार और पाँच गुड़िया दो एक दो बॉल तीन एक दो तीन कार दो एक दो प्रश्न देखने हैं नीचे कौन सा खिलौना सबसे ज़्यादा पसंद है हम देखेंगे बतख पांच जनों को पसंद है तो बतख आ जाएगा उत्तर कौन सा खिलौना सबसे कम गुड़िया या कार खिलौने की संख्या बराबर गुड़िया और कार अब देखिए रंगोली को देख आकृतियों की संख्या बतानी है गोले कितने हैं गोले देखिए एक दो तीन चार त्रिभुज कितने हैं एक दो तीन चार फिर है वर्ग कितने हैं वर्ग देखिए स्टूडेंट्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह वर्ग हैं अब बता रहे हैं आयत कितने है? आयत स्टूडेंट बीस हैं आपको इसमें गिनने में काफ़ी परेशानी आ सकती है देखिए पहला आयत यहाँ ये वाला देख रहे हैं बड़ा वाला पहला आयत है एक अब देखिए अगला दो अगला तीन अगला चार, इसी प्रकार से इधर से स्टार्ट करेंगे पाँच फिर यहाँ तक छः हो जाएगा यहाँ तक सात हो जाएगा फिर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आठ यहाँ तक नौ फिर ये दस तो दस हो गए स्टूडेंट्स एक लाइन में तो इसी प्रकार से ऊपर भी एक लाइन है तो इधर भी दस हैं तो दस और दस बीस बीस उत्तर आ जाएगा अब करेंगे आंसलाइन नंबर सात पैटर्न को पूरा करना है देखिए तीन फूल चार पाँच छः फूल सात फूल आठ फूल स्टार देखिए छः पाँच चार एक कम हो रहा है तो यहाँ पे तीन स्टार दो स्टार यहाँ पे एक स्टार अगला देखिए बीस पच्चीस तीस पाँच बढ़ रहे हैं प्लस पाँच हो रहा है प्लस पाँच करिए पैंतीस चालीस पैंतालीस और पचास पचास सैंतालीस चौवालीस इकतालीस तीन कम हो रहे हैं स्टूडेंट्स तीन कम करते जाइए अड़तीस पैंतीस बत्तीस अगला देखिए पचपन साठ पैंसठ सत्तर पाँच प्लस करेंगे पिचहत्तर अस्सी और पिचयासी अगला देखिए नीचे दिए गए फलों को गिनकर सांडी में उनकी संख्याओं को लिखना है स्टूडेंट्स देखिए आम कितने हैं सात हैं केले सात हैं अनार कितने हैं स्टूडेंट्स चार हैं अगला देखिए कार्यपत्रक नंबर चौंसठ जिसमें हमें घुमावदार और सीधी रेखा के बारे में देखना है ये देखिए घुमावदार रेखा है और ये सीधी रेखा होती है बिल्कुल अब देखिए घुमावदार रेखा कितनी है सीधी रेखा कितनी हमें बताना है मटके में सीधी रेखा जीरो है घुमावदार रेखा सात है देखिए एक तो ये हो जाएगी पूरी दो तीन चार पाँच छः और एक बीच वाली सात इसमें देखिए सीधी रेखा सात है घुमावदार जीरो है एक दो तीन चार पाँच छः, सात इसमें सीधी रेखा बारह है घुमावदार जीरो है सीधी रेखा एक घुमावदार तीन so, ये उल्टा लिख दिया स्टूडेंट्स ये उल्टा हो गया है सीधी रेखा हमारे पास तीन है घुमावदार एक है तो आपको सीधा करना है स्टूडेंट्स गलत नहीं करना है अगला देखिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों को हमें छाटना है कौन से सीधी रेखा से बने हैं तो एच एन और टी पर गोला लगाएंगे अब ऐसे अक्षर अच्छा सुनने हैं जो सीधी और घुमावदार दोनों रेखाओं से बने हैं तो डी जी और पी पर गोला लगाएंगे अब देखेंगे कार्य पत्रक नंबर पैंसठ जिसमें हमें आकृतियों को देखकर उनके आधार पर संख्याओं को लिखना है स्टूडेंट्स इस चित्र के अंदर बताना है कि गोले कितने हैं गोले स्टूडेंट ग्यारह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और एक चेहरा ग्यारह त्रिभुज कितने हैं एक, दो और तीन। आयत हैं। और आयत है वर्ग अब देखिए मिलान करना है समान आकृतियों से वर्ग को वर्ग से मिलाएंगे त्रिभुज को त्रिभुज से गोले को गोले से आयत को आयत से त्रिभुज को त्रिभुज से अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर छियासठ जिसमें हमें आकृतियों के बारे में आकृति पहचाननी और तालिका भरनी है देखिए आकृति का नाम ये क्या है ये आयत है ये वर्त है और त्रिभुज है ये वर्ग है कोने कितने होते हैं आयत में चार वर्त में जीरो त्रिभुज में तीन वर्ग में चार भुजाएं चार जीरो तीन चार अब देखिए मिलान करना है स्टूडेंट्स आयत को मिलाएंगे चार कोने चार भुजाओं से त्रिभुज को तीन कोने तीन भुजाएं व्रत को शून्य कोने शून्य बुझाएँ और वर्ग को मिलाएंगे चार कोने और चार बराबर भुझाएँ इनकी चार बराबर भुजाएँ होती हैं स्टूडेंट्स यही अंतर होता है आयत और वर्ग के अंदर अब देखिए स्टूडेंट्स दी गई वस्तुओं के आधार पर दीवामी आकृति का नाम लिखना है कटोरी किस प्रकार से लग रही है व्रत के आकार की माचिस का डिब्बा आयत गिलास व्रत रब्बट आयत पतंग वर्ग पासा वर्ग फुट्टा या फ स्केल आयत कब व्रत हो जाएगा पुस्तक आयत हो जाएगी अब करेंगे कार्यपत्र नंबर अड़सठ जिसमें नीचे दिए गई चित्र में से हमें सीधी रेखाएं कितनी बताना है सीधी रेखाएं स्टूडेंट्स छः हैं अगला देखिए दिए गए चित्र में घुमावदार रेखा बतानी है घुमावदार रेखा स्टूडेंट्स पाँच है ग हो जाएगा उत्तर अगला देखिए किस आकृति में सीधी रेखाएं बनी है सिर्फ सीधी रेखाओं से बनी आकृति कौन सी है ख अगला देखिए वह संख्या जिसमें एक भी सीधी रेखा नहीं है आठ एक सभी घुमावदार रेखाओं से बना होता है स्टूडेंट्स आठ तो का उत्तर हो जाएगा वह संख्या जिसकी एक भी घुमावदार रेखा नहीं है चार इसमें एक भी घुमावदार नहीं है सभी सीधी रेखाएं हैं अब करेंगे आंकलन नंबर आठ जिसमें पतंग में कुल कितने कोने बताना है आठ कोने हैं स्टूडेंट्स का उत्तर हो जाएगा किस वस्तु में एक भी कोना नहीं है व्रत में एक भी कोना नहीं है किस वस्तु को छापने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी ईंट को प्रश्न नंबर चार देखिए किस वस्तु को छापने पर वर्ग की आकृति प्राप्त होगी का उत्तर हो जाएगा अब देखेंगे कार्य पत्रक नंबर उनहत्तर जिसमें दी गई संख्या को कार्डों को सही स्थान पर लगाना है तो देखिए छब्बीस लगाएंगे इधर अड़तीस बयालीस सैंतालीस उनचास बावन छप्पन बासठ इस प्रकार से लगाना है स्टूडेंट्स आपको गिनकर सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस इस प्रकार से गिनके हमें लगाएँ स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार से लगाना है कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी अगला कार्यपत्रक देखते हैं स्टूडेंट्स कार्यपत्रक नंबर सत्तर इसमें दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है पंद्रह कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स देखिए जीरो पाँच दस फिर बीस है तो बीच में क्या आ जाएगा पंद्रह अड़तीस पैंतीस के बाद में तीसरा डंडे पर अड़तीस लिखेंगे छियालीस ये बीस है ये तीस है ये चालीस है तो बीच वाला क्या है पैंतालीस उसके बाद वाला क्या हो जाएगा छियालीस तेईस बीस के बाद में और पच्चीस से पहले तेईस अट्ठारह बीस से जस्ट पहले पंद्रह के बाद अब देखिए स्टूडेंट दी गई संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे छप्पन पचास के जस्ट बाद छप्पन आ जाएगा उनसठ साठ से पहले उनसठ उनहत्तर मतलब कि सिक्सटी नाइन सत्तर से पहले पैंसठ साठ के बाद में आ जाएगा पैंसठ बीच में आ जाएगा बिल्कुल छिहत्तर पिचहत्तर के जस्ट बाद में छिहत्तर आएगा स्टूडेंट इस प्रकार थे हमारे संपूर्ण वीडियो जिसके अंदर हमने दस कार्य पत्रक और विभिन्न आकलन पत्रक सॉल्व किए हैं आपके लिए ताकि आप जल्दी से जल्दी कार्य पत्रकों को सॉल्व कर पाएँ बुक को हल कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ तो जुड़ रही है चैनल से लाइक करें शेयर कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद